नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कहते हैं शेर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन वो शिकार करना नहीं भूलता। ये बात श्रीलंकाई शेरों पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ से धाकड़ गेंदबाजों को ऐसी धूल चटाई कि तमाम दिग्गज गेंदबाज एक एक विकेट के लिए तरसते रहे। तो वहीं दूसरी तरफ तिलक रत्न दिलशान जैसे धुरंधर बल्लेबाज ने चौके छक्के की ऐसी झड़ी लगाई कि ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 56 गेंदों पर ही शतक ठोक दिया। दुबई के मैदान पर खेले जा रहे एशिया कप के फाइनल मुकाबले में जब युवा खिलाड़ियों से सजी श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान से टक्कर ले रही थी, तो उसी वक्त भारत में खेली जा रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में श्रीलंका के पुराने खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के छक्के छुड़ा रहे थे। दरअसल भारत में इन दिनों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज चल रही, जिसमें भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की टीम हिस्सा ले रही। इन देशों की हालांकि राष्ट्रीय टीम तो नहीं है, लेकिन हाँ, इन टीमों में वो तमाम खिलाड़ी खेल रहे जिनका कभी विश्व क्रिकेट में दबदबा हुआ करता था। शनिवार को शुरू हुए इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला गया। कानपुर के मैदान पर हो रहे इस मुकाबले में श्रीलंकाई कप्तान तिलक रत्न दिलशान ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और मैदान पर ओपनिंग करने के लिए खुद दिलशान और मुनावीरा उतरे। इन दोनों ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जो धुनाई शुरू की, तो फिर आखिरी ओवर तक उन्हें राहत की सांस नहीं लेने दी। इस मैच में दिलशान ने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए 56 गेंदों पर धुआंधार 107 रनों की पारी खेली और इस दौरान 14 चौके, 4 छक्के जड़ दिए। जबकि दूसरी तरफ मुनावीरा ने भी 63 गेंदों पर ताबड़तोड़ नाबाद 95 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने भी 10 चौके और 2 छक्के जड़ दिए। दिलशान और मुनावीरा दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 208 रनों की पार्टनरशिप की, जिसके बाद तेज गेंदबाज ब्रेटली ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर दिलशान को आउट कर तोड़ा। इस तरह से श्रीलंकाई लेजेंड्स की टीम ने 20 ओवर में एक विकेट खोकर बोर्ड पर 218 रन टांग दिए, जिसे पाना ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड्स के बस की बात नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने भी टारगेट चेस करने के लिए पूरी जान लगा दी, मगर पूरी टीम 18 ओवर में ही 180 रनों पर ऑल आउट हो गई। शेन वॉटसन ने 2 छक्के, 4 चौके की मदद से 23 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली। कैमरून व्हाइट ने 5 चौके की मदद से 22 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली। कैलम फर्ग्यूसन ने 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 17 गेंदों पर 29 रन बनाए। नॉर्थन रीड्रॉन ने 4 चौके, 3 छक्के की मदद से 19 गेंदों पर 46 रन बनाए। जबकि गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रही श्रीलंकाई लेजेंड्स की ओर से नुवान कुलशेखरा ने 4 ओवर में 36 रन देकर 4 विकेट चटकाए। चतुरंगा डी सिल्वा और जीवन मेंडिस को भी 2-2 विकेट मिले। ईशान जयरत्ने के खाते में भी 1 विकेट आया, जबकि जेसन क्रेजर रन आउट हुए। इस तरह से श्रीलंकाई लेजेंड्स ने ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड्स को 38 रनों से हरा दिया। तो वही दूसरी तरफ रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का पहला शतक जड़ने वाले श्रीलंका के कप्तान तिलक रत्न दिलशान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और हाँ, एक बात और आपको बता दें कि T20 के अंतर्राष्ट्रीय करियर में भी दिलशान के नाम एक शतक दर्ज है और ये शतक भी उन्होंने साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही मारा था। तब उन्होंने 57 गेंदों पर 12 चौके और 5 छक्के के दम पर नाबाद 104 रन बनाए थे और ये मैच भी श्रीलंका 35 रनों से जीती थी। बहरहाल 45 साल की उम्र में भी श्रीलंकाई लेजेंड दिलशान ने जिस तरह से T20 फॉर्मेट में शतक जड़कर तहलका मचाया, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।